सैनमार्क की पुरानी सड़क पर आप एक छोटा सा द्वीप देख सकते हैं दृश्यमान झील के मध्य में। यद्यपि यह एक अविकसित स्थान है, ऐसा लगता है जैसे यह एक गर्म जगह होगी। एक क्रूज जहाज लेने की जरूरत है, ऐसा लगता है कि यह भविष्य का पर्यटन संसाधन होगा। सुरक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर तैयारी की कमी के कारण ऐसा लगता है कि इसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। अब झील ठंडी लगती है। सैनमार्क की पुरानी सड़क के अंतिम मार्ग के रूप में सैनमार्क की पुरानी सड़क व्यायाम प्रभाव वाला एक पैदल पथ है। पैदल चलने में आपको पसीना भी आ सकता है, लेकिन झील और पहाड़ों से ठंडी हवा बनती है और यह पसीने को ठंडा करता है। सैनमार्क की ओल्ड रोड की विशेषता क्या ये लगभग नहीं है कृत्रिम संरचनाएं? सैनमार्क की ओल्ड रोड हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाता है और हम पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे ढूंढना बहुत कठिन है। मनोरंजन पार्क की सुविधा और भव्यता, हम प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों का अनुभव कर रहे हैं। सैनमार्क की ओल्ड रोड पर टहलते समय हम सोचने के लिए पर्याप्त समय का आनंद ले सकते हैं, अतीत की यादों के बारे में और भविष्य की कल्पना। ऐसे पैदल रास्ते जिन पर चलना आसान नहीं है और किनारे पर चौड़ी झील आपको शांत और शांत महसूस कराता है। सैनमार्क की ओल्ड रोड की विशेषता क्या ये लगभग नहीं है कृत्रिम संरचनाएं? सैनमार्क की ओल्ड रोड हमें प्राकृतिक दृश्य दिखाता है और हम पर गहरा प्रभाव डालता है। इसे ढूंढना बहुत कठिन है। मनोरंजन पार्क की सुविधा और भव्यता, हम प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों का अनुभव कर रहे हैं। सैनमार्क की ओल्ड रोड पर टहलते समय हम सोचने के लिए पर्याप्त समय का आनंद ले सकते हैं, अतीत की यादों के बारे में और भविष्य की कल्पना। पुराने पहाड़ी रास्ते पर पहाड़ों, पानी और जंगलों की सुंदरता एक ऐसी जगह है जिसे गोएसन का मुख्य आकर्षण माना जा सकता है। गोसान बांध, जो पहली बार 1957 की शुरुआत में पूरा हुआ था, विशुद्ध रूप से कोरियाई तकनीक का उपयोग करना प्रतीकात्मक है, ये क्षेत्र के लिए गौरव का विषय बन गया है। बांध के आसपास का क्षेत्र और भी अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह एक अक्षुण प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करता है। ऐसे पैदल रास्ते जिन पर चलना आसान नहीं है और किनारे पर चौड़ी झील आपको शांत और शांत महसूस कराता है।